आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम सभ्यता की। भारत की प्रथम सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता और कासयुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता न होकर एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के जिन भी स्थलों की खुदाई हुई, उन स्थलों से जो भी साक्ष्य मिले, वो सभी साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। दरअसल हड़प्पा सभ्यता में वह सब कुछ मिला है जो एक नगर सभ्यता होने के लिए पुख्ता सबूत हो। तो आइए हम चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता कैसे है इसका प्रमाण जानते हैं कि आखिर क्या वह चीज मिला है जिससे इतिहासकार भारत की पहली सभ्यता को ही नगरीय सभ्यता की संज्ञा देते हैं। तो हम आपको बता दें कि यह प्रश्न कि भारत की पहली सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, या आपसे यह प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी कैसे, यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसे एक नगरीय सभ्यता थी और इसका प्रमाण हम देंगे। आप कल्पना कीजिए कि आज का नगर कैसा है और आज का गांव कैसा है। आप एक दृष्टिकोण गांव पर डालिए तो वहां पर आपको कच्ची सड़कें मिलेगी और अच्छे पक्के मकान भी नहीं मिलेंगे, नालियों की सुंदर व्यवस्था नहीं मिलेगी, वहां सड़कों की अच्छी साफ सफाई नहीं मिलेगी, किसी प्रकार का सार्वजनिक स्नानागार नहीं मिलेगा, वहां बड़े बड़े धान्यागार जिसमें अनाज रखे जाते हैं वो गोदाम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शहर पर दृष्टिपात करते हैं तो शहर में आपको सड़कों की बेहतरीन व्यवस्था मिलेगी, शहर में जल निकास प्रणाली मिलेगी यानी नालियों की व्यवस्था बेहतरीन मिलेगी। आप शहर आते हैं, यहाँ देखते हैं तो बड़े बड़े आपको गोदाम मिलेंगे जहाँ अच्छी तरह से सामान रखी जाती है। उसके बाद आप शहर में आइए तो कई आपको सार्वजनिक स्नानागार भी मिल जाएंगे, प्रकाश की व्यवस्था भी बहुत सुंदर मिलेगी, साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत सुंदर मिलेगी शहरों में। अगर आप कल्पना कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में भी ये सारी व्यवस्था थी तो निश्चित तौर पर हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय व्यवस्था थी। इसलिए अब हम आपको प्रमाणित करने जा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सा चीज मिला जिसे इतिहासकार देखकर हड़प्पा को एक नगरीय सभ्यता बनाने पर तुल गए, यानी ये सिद्ध कर दिए कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि वहां मिला है एक शानदार सड़क व्यवस्था, यानी सड़कों का हड़प्पा सभ्यता में जाल बिछा हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या जो भी शहर की खुदाई हुई तो उन खुदाइयों में सड़क की बनावट बहुत ही शानदार मिली है। सड़क की बनावट ऐसी थी कि यह शहर को समकोण पर काटते थे, जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। समकोण का अर्थ होता है सीधा, यानी ये जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, ये सीधा सड़क शहर को काटता था जिससे शहर दो खंड में विभाजित हो जाता था। इतना ही नहीं बल्कि जो सड़क मिला है उसको देखने से ऐसा लगता है कि इन शहरों के साफ सफाई की व्यवस्था अलग से करने की कोई विशेष सुविधा नहीं रखी गई थी, बल्कि इस सड़क की बनावट ही इतनी शानदार थी कि हवा का झोंका आता था और सड़क को साफ करके चला जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण बातें इस सड़क में ये थी कि इन सड़कों के किनारे किनारे मिट्टी के बड़े बड़े पात्र रखे जाते थे, यानी मिट्टी के बर्तन। यानी सड़क अगर कूड़ा करकट से गंदा होता था तो वो कूड़ा करकट इसी मिट्टी के पात्र में डाल दिए जाते थे। इतना ही नहीं बल्कि सड़कों की इतनी शानदार व्यवस्था थी कि सड़कों के किनारे किनारे बड़े बड़े स्तंभ लगे हुए थे और इन स्तंभों में रात को बड़े बड़े दिए जलाए जाते थे जो रात्रि के वक्त इन सड़कों को रोशनी प्रदान करता था। इतना ही नहीं बल्कि इन सड़कों के किनारे किनारे बड़े बड़े चबूतरे रखे गए थे। ये चबूतरों पर संभवतः व्यापारी बैठकर अपना सामान बेचने का काम करते थे। तो ये जो सड़क है ये आज के सड़क से मिलता जुलता है जो शहरों में होता है। तो इन सड़कों की इतनी अच्छी और शानदार व्यवस्था देखकर इतिहासकारों ने कहा कि जहां इतनी अच्छी सड़क हो उसे हम
नगर की ही संज्ञा दे सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि इस शहर में जो सड़क थे वो दो प्रकार के थे, एक छोटे सड़क और एक बड़े सड़क। बड़े सड़क जिसे राजमार्ग की संज्ञा दी गई, बड़े सड़कों की जो चौड़ाई थी वो 9.15 मीटर तक थी और छोटे जो सड़क थे उसकी जो चौड़ाई थी वो 2.75 मीटर से 3.66 मीटर तक थी। और ये जो जितनी भी छोटे सड़क थी ये कहीं कहीं बड़ी सड़कों से जाके मिलती थी। ये जो बड़ी सड़क थी इसको राजमार्ग की संज्ञा दी गई। तो इतनी सुंदर सड़कों की व्यवस्था किसी गांव में नहीं हो सकती, इसलिए इतिहासकार ने इतनी सड़क की व्यवस्था, इतनी सुंदर सड़क की व्यवस्था को देखकर इसे हड़प्पा सभ्यता को नगर की संज्ञा दिया। सड़क के बाद आइए तो दूसरी व्यवस्था जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से सामने आई है वो है जल निकास प्रणाली, यानी पानी को निकालने की जो व्यवस्था थी वह इतनी उत्तम कोटि की थी कि उसे हम शहर की संज्ञा दे दिए। अब देखिए जितने भी घर थे हड़प्पा सभ्यता में उन सबों में एक अपना कुआं होता था, रसोई घर होता था, यहां तक कि शौचालय भी होता था। तो ये शौचालय का पानी, रसोई घर का पानी, कुआं का पानी ये घर के आंगन में जमा होता था। लेकिन इस गंदे पानी को शहर से बाहर निकालने की बड़ी ही शानदार व्यवस्था थी। उत्खनन से ऐसा प्रतीत हुआ है कि हर घर से एक छोटे से नाला निकाले गए थे, एक छोटी सी नाली निकाली गई थी और यह नाली गली के नाली में जाकर मिलती थी, यानी गली में भी एक नाली बनाई गई थी और गली के अलावा एक नाली सड़क में बनाई गई थी, यानी सड़क के किनारे किनारे एक बड़ा नाला बनाया गया था और घर से जो नाला निकलता था ये गली के नाली में और गली का नाली सड़क के नाली में जाकर मिलता था और सड़क के नाली के द्वारा ये गंदा पानी शहर से बाहर चला जाता था। तो इस प्रकार जो गंदा पानी घरों के आंगन में जमा होता था वो गंदा पानी सड़क के नाला होते हुए बाहर चला जाता था, इससे साफ सफाई रहती थी। लेकिन इसकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि ये नाले को उस समय साफ करने की भी व्यवस्था थी, जगह जगह पर नाले को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया था और जब जरूरत पड़ती थी साफ सफाई की तब इन पत्थरों को हटाकर नाले की साफ सफाई हो जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जल निकास प्रणाली भी हड़प्पा सभ्यता की बेहतरीन थी और इतने सुंदर जल निकास प्रणाली किसी गांव में नहीं हो सकती है, इसलिए इतने सुंदर जल निकास प्रणाली को देखकर इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता की संज्ञा दिया है। इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बातें मिली है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से वो मिला है अन्नागार, जिसे आप धान्यागार भी कह सकते हैं, यानी जहां अनाज रखा जाता है, आजकल हम लोग उसको गोदाम कहते हैं। तो गोदाम होने का प्रमाण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जगहों से मिला है, ऊंचे ऊंचे चबूतरों पर दो कतार में मिला है और प्रत्येक कतार में 6-6 रूम बनाए गए थे और इस रूम की विशेषता ये थी कि इस रूम का दरवाजा नदी के किनारे जाकर खुलता था ताकि नदी से, चूंकि उस समय क्या था हड़प्पा सभ्यता में कोई ट्रक नहीं था, कोई ट्रैक्टर नहीं था, इसलिए सड़क के माध्यम से वहां गोदाम में आकर के अनाज रखे जाएं ये संभव नहीं था, इसलिए यहां पानी के नाव से अनाज आता था। तो इसका जो दरवाजा था अन्नागार का वो नदी की तरफ खुलता था और नदी से जो अनाज आता था वह अनाज इस गोदाम में रखा जाता था। लेकिन इस गोदाम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इस गोदाम को इस तरह बनाया गया था कि इसमें हवा और प्रकाश दोनों आने की उचित व्यवस्था थी। हवा और प्रकाश अगर आएगा तो रखा हुआ अनाज नहीं सड़ेगा, नहीं खराब होगा। तो इतनी सुंदर गोदाम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से मिला है तो निश्चित तौर पर यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता होगी, ये एक ग्रामीण सभ्यता नहीं होगी। तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीजें मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो एक किले के अंदर, मोहनजोदड़ो में एक किले के अंदर एक विशाल स्नानागार मिला है। ये स्नानागार संभवतः एक राजकीय स्नानागार था, यानी राजा का परिवार उपयोग करता था या फिर कोई त्यौहार या पर्व होता था तब ये उपयोग के लिए खुलता था। तो ऐसा राजकीय स्नानागार किसी गाँव में नहीं हो सकता है, इसलिए इस स्नानागार को देखकर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन सबसे बड़ी बात,
हड़प्पा सभ्यता के इस स्नानागार की जो विशेषता थी वो अद्भुत थी। अब इसकी विशेषता क्या थी उसको समझिए। यह स्नानागार ऐसा स्नानागार था जिसके जो जिसका फर्श जो था वो पक्की बना हुआ था। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। यहां तक कि कपड़ा बदलने के लिए इस स्नानागार में एक रूम भी बना हुआ था। और इतिहासकारों का यहां तक अनुमान है कि इस स्नानागार में ठंडे या गंदे पानी को समय समय पर बदले जाने की भी व्यवस्था थी। यानी इस स्नानागार की जो बनावट थी वो अद्भुत थी। इस स्नानागार की जो लंबाई थी वो 39 फीट थी, चौड़ाई 23 फीट थी और गहराई इसकी 8 फीट थी। तो यह स्नानागार अपने आप में अद्भुत था। इस स्नानागार की बनावट को देखकर महान इतिहासकार मार्शल ने इसे दुनिया का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। तो कुल मिलाकर इतने सुंदर स्नानागार किसी गांव की सभ्यता में नहीं हो सकती। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहना बहुत हद तक उचित है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें इस सभ्यता में मिली है जो इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से पक्की ईंट का भी साक्ष्य मिला है, पक्की ईंट। जबकि हड़प्पा सभ्यता का जो समकालीन है मिस्र की सभ्यता, वहां से धूप में सुखाई गई ईंट का प्रमाण मिला है। लेकिन भारत की जो पहली सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, यहां जो ईंट मिला है उसमें कुछ ऐसे ईंट मिले हैं जो पक्की ईंट हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के घर पक्की ईंटों के बने हुए थे। लेकिन यह कहना भी उचित है कि यहां पर कुछ ही जगह ऐसे थे जहां पक्की ईंट का प्रमाण मिला है, वरना अनेक जगह ऐसे थे जो कच्ची ईंटों का ही या कच्ची ही घर थे। लेकिन कुछ ही जगह जो पक्की ईंट का प्रमाण मिला है वो इस बात को संतुष्ट करता है कि हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट का प्रयोग हो रहा था। और पक्की ईंट का अगर प्रयोग हो रहा था तो ये किसी ग्रामीण सभ्यता में नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर पक्की ईंट के प्रयोग भी इस बात के प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है।